मौसम है, इसलिए हम ठंड पर ही बात करेंगे और ठंड से कई तरह की परेशानियां हो रही है। ठंड जो है वो पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले चुका है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो ठंड को लेकर हम बात करते हैं क्योंकि ठंड की वजह से कई ऐसी बीमारियां बढ़ जाती हैं, उसके कई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और आम जनजीवन काफी प्रभावित होता है। इसलिए हम अपने इस कार्यक्रम में आज ठंड पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस ठंड से किस तरह से बचाव किया जाए, ठंड में कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विजेंद्र सिंह बगनाल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठंड काफी बढ़ चली है, कौन कौन सी बीमारियां जो है वो ठंड में सबसे ज्यादा असर दिखाती है और इसके उपाय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ठंड में जो बीमारियां होती हैं वो सर्दी, खांसी, जुकाम या जोड़ों में दर्द, फेफड़े में कंजेशन जैसे सांस लेने में तकलीफ और शरीर का अकड़ना, जकड़ जाना या सर में दर्द, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है इन दिनों में ठंड में काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल जो हमारा खून है वो गाढ़ा हो जाता है क्योंकि हमारी मूवमेंट ठंड के दिनों में बहुत ही कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत सी बीमारियां जैसे हार्ट की कुछ बीमारियां हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं ठंड में, ठंड के दिनों में। और बाकी जोड़ों में दर्द वगैरह काफ़ी बढ़ जाती है, सर्दी खांसी बुखार ये सब चीज़ें जो है कॉमन हो जाती हैं। लेकिन अभी जिस तरह कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोरोना भी दस्तक दे रहा है और बहुत जगह हमारे भारत में कर्नाटका, केरला इन सब क्षेत्रों में कहीं कहीं ये कोरोना आ चुका है और इसका अभी आपने बहुत सारी बीमारियां बताई जैसे हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और इनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों को ठंड से पूरा बचाव करना चाहिए। ठंड जब ज़्यादा पड़ती है तो पैरों में मोजे वगैरह या घर में टाइल्स या जो मार्बल्स होते हैं उन पर खाली पैर ना चलें और अपने तन को सुरक्षित तरह से ढक कर रखें, रजाई, कंबल, स्वेटर, कोट या जो भी ठंड से बचाव के उपाय हैं उससे आप अपने आप को सुरक्षित करें और गर्म कपड़े पहनें, ये सबसे पहला काम है। दूसरा काम जो है कि हार्ट अटैक के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि ठंड के दिनों में हमारी मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अपने अपने घरों में जब रहते हैं तो रजाई या कंबल में घुसे रहते हैं, हमारी दिनचर्या जो है वो आम दिनों की तरह नहीं होकर ठंड में एक जगह समझिए कि वो एक तरह एक जगह लोग सिमटे रहते हैं, रजाई में ही रहते हैं, सिमट जाते हैं या सिमटे रहते हैं और रजाई कंबल में, तो बॉडी मूवमेंट कम होने से क्या होता है कि हमारी कैलोरीज जो हैं वो बर्न नहीं हो पाती हैं और कैलोरी बर्न नहीं होने के चलते हमारा जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह लेवल है, ब्लड प्रेशर है, ये बढ़ने लगता है और हम जो खाते हैं वो हम उसको उसका यूटिलाइज खाना हम लोग खाते हैं, पेट भरते हैं लेकिन उसकी ऊर्जा को हम लोग खपत नहीं कर पाते हैं ठंड के दिनों में, ये वो हमारी जो फैट है हमारी बॉडी में जमता है और इस तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खान पान जो है वो सही रखने की आवश्यकता है क्योंकि ठंड में जैसा आपने बताया कि लोग सिर्फ खाते हैं और कहीं ना कहीं दुबके रहते हैं, यानी रजाई का सहारा ले लेते हैं और बेड उनको जरूरी हो जाती है, तो खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किन किन चीज़ों का सेवन ठंड के समय करना सही और लाभप्रद रहेगा? देखिए, जो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा भोजन है वो सबसे पहला जिसमें हमें ओमेगा फैटी थ्री एसिड मिले, जैसे कि जो नॉनवेज खाते हैं वो फिश वगैरह ले सकते हैं, मीट वगैरह ले सकते हैं क्योंकि इसमें आप बॉडी को गर्म रख सकते हैं। ओमेगा फैटी थ्री एसिड जो है वो हमारे ब्लड को पतला करने में, थिन करने में बहुत ही सहायक होता है। और उसके अलावा खान पान में जैसे हम लोग मक्के की रोटी, बाजरा, जौ, आजकल जिसे मिलेट्स कहते हैं, इसका यूज़ आटे में हम लोग मिला के इसको अगर खाएं तो हमारे बॉडी में फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा होता है और फाइबर जो है कोलेस्ट्रॉल को
कम करने में बहुत सहायक होता है और हमारे पाचन शक्ति जो हमारी है उसको भी ये जो मिलेट्स होते हैं इसमें फाइबर जो पाया जाता है ये बहुत ही सहायक होता है। और ओट्स वगैरह जैसे होते हैं ये सब हमें लेने चाहिए। और इसके अलावा जितनी भी मैदे की चीज़ें हों और ज़्यादा मीठा चीनी खास करके ये सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि चीनी और मैदा जो कि हमारे पेट को भी ख़राब करते हैं, लीवर को भी ख़राब करते हैं, और चीनी जो कि डायरेक्ट शुगर है वो हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करती है, जो कि लीवर हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है और कोलेस्ट्रॉल बॉडी को सप्लाई भी करता है। तो वो हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत भी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बिना भी हम लोग चल नहीं सकते, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। लिपिड प्रोफाइल जो हमारा बॉडी में होता है उसमें कई तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL होता है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एक जो सबसे ख़राब कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो ही हमारे शरीर को, और एक ट्राइग्लिसराइड ये हमारी धमनियों में जम जाते हैं और ये हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देते हैं। इसलिए हमें जो नट्स होते हैं जैसे कि अखरोट हो गए, बादाम हो गए, काजू हो गए, ये सब हमें ज़रूर लेना चाहिए ठंड के दिनों में। हनी लेना चाहिए, उसके अलावा जैसे अदरक हुआ, गुड़ हुआ, अजवाइन है, ये सब चीज़ें हमें किसी भी रूप में, आप चाहे वो गुड़ में मिला के लें, चाहे जैसे भी खाएं, उसका पानी में उसे बॉईल करके खाएं, पिएं मॉर्निंग में, ये सब चीज़ें हमें लेनी चाहिए, हनी लेना चाहिए। और एक सबसे जो ज़रूरी बात बहुत से डॉक्टर बताते हैं, एक हमारे जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए क्या है कि तीसी, अलसी जिसे कहा जाता है, वो इस समय ठंड के दिनों में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। और अलसी के लड्डू गुड़ में डाल के उसमें नट्स मिलाइए, वो डेली एक एक लड्डू सुबह में आप हो सके तो गर्म पानी के साथ या दूध के साथ, बिना मलाई का दूध होना चाहिए, क्योंकि दूध में भी बहुत फैट होता है। डेयरी प्रोडक्ट जो है वो भी हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन दूध हम लोग ले सकते हैं जो फैट फ्री होता है, जिसे स्किम्ड मिल्क कहते हैं या टोंड मिल्क कहते हैं, जिसकी मलाई, जिसकी क्रीम निकाली हुई होती है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद दूध है। और उसके साथ हम लोग तीसी के लड्डू, तिल के लड्डू, गुड़ और ये आपके तिल जो होते हैं, ये सब हम ले सकते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत फायदा करते हैं और हमारे बॉडी को, हमारे ब्लड को गर्म रखते हैं, खून को पतला करते हैं, जिससे हमारे हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। ये जो भोजन है इसको भी हमें, आपको मैंने जैसे बताया, मिलेट्स वगैरह ज़्यादा लेने चाहिए और हरी सब्जियां आप अधिक लें, जूस ले सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखें। इम्यूनिटी बूस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है, जैसे हमें संतरे आजकल किन्नू वगैरह बहुत मिल जाते हैं, नींबू है, ये सब के जूस हमें लेने चाहिए, और जहाँ तक हो सके बीट, गाजर, ये सब का जूस हमें लेना चाहिए। सूप बहुत हमें फ़ायदा करता है, जैसे जो भी सूप, टमाटो सूप होता है या कॉर्न के सूप बनते हैं, चिकन सूप है, जो नॉनवेज लेते हैं चिकन सूप ले सकते हैं। सूप हमारी बॉडी को गर्म रखता है, ठंड से बचाता है। सर, खान पान की तो बात हो गई, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सरसाइज या योगा भी बहुत जरूरी है, इसको भी लोगों को अपने डेली जो उनका जीवन है, दिनचर्या है, क्योंकि आजकल की अगर हम बात कर ले तो भागदौड़ भरी जिंदगी होती है। लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, फिर घर आते हैं और खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। इसके अलावा शायद ही उनके टाइम टेबल में कुछ बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक्सरसाइज और योगा बहुत जरूरी है और लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। योगा की बात जहाँ तक है या एक्सरसाइज की बात है, ये हमें अपने जीवन में इसे एक हिस्सा बना लेना चाहिए। जैसे हम लोग समय पर खाते हैं, समय पर सोते हैं, उसी तरह योगा और एक्सरसाइज का भी एक समय फिक्स कर लीजिए। और ठंड के दिनों में खास करके आपको एक्सरसाइज या वॉकिंग जो है ज़रूर करनी है, योगा ज़रूर करना है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी गर्म रहती है, खून पतला होता है। और मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आप वॉक पर ना जाएं ठंड ज़्यादा हो तो, खास करके जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है कि ठंड बहुत अधिक होती है, टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, फॉग होती है बाहर में, उससे बुज़ुर्गों को खास करके, या जिन्हें
दमा टाइप की कोई शिकायत है, सांस की जो कोई दिक्कत है, फेफड़े की कोई शिकायत है, उन्हें अर्ली मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक है कि हो सके, जो बुज़ुर्ग भाई हैं जो हमारे किसी रोग से ग्रसित है, फेफड़े के रोग से, सांस के रोग से, तो उन्हें धूप निकलने के बाद ही, थोड़ा सनराइज होने के बाद ही वॉकिंग पर जाना चाहिए। और वॉक जो है बहुत हमें स्टेमिना देता है, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करता है, खून को पतला करता है, वेट को नियंत्रण करता है। इसलिए हमारे असल में होता क्या है कि हम लोग सर्दियों के दिनों में मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं जी। और इन दिनों में क्या होता है कि जैसे तिल संक्रांत है, इस समय तिलकुट वगैरह काफ़ी आते हैं, चीनी के हैं, गुड़ के हैं। मैं तो यही कहूँगा कि चीनी का इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। चीनी और मैदा जो कि हमारे शरीर को काफ़ी हानि पहुँचाते हैं, इसलिए लोग मीठा वगैरह ज़्यादा खाने की वजह से, और ठंड में भूख भी ज्यादा लगती है, हजम भी खाना ठीक होता है, तो हम लोग बहुत खाते हैं। धारणा बनी हुई है कि चीनी नहीं खा सकते हैं लेकिन गुड़ खा सकते हैं, गुड़ शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन ये कहाँ तक सही है? गुड़ की तासीर जो होती है असल में वो गर्म होती है, और उस वो गुड़ जो हमारा जो देसी गुड़ है उसमें केमिकल नहीं डाला जाता, और चीनी सिर्फ केमिकल डाल के ही उसको साफ किया जाता है, उसमें काफी हद तक केमिकल का यूज होता है। इसलिए चीनी जो है वो डायरेक्ट शुगर है, ग्लूकोज है, जो कि वो हमारे बॉडी में शुगर का लेवल भी बढ़ा देती है, और शुगर भी ठंड में इसी वजह से, जो मीठा खाने की वजह से शुगर भी बढ़ जाती है। ये सब सारे जितने भी कारण हैं ये सारे हार्ट के लिए नुकसान करते हैं। कहीं ना कहीं हमें हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए इन सब चीज़ों से बचाव करना चाहिए। सर, हम बात कर रहे थे छोटे बच्चों की, एक्सरसाइज आपने बताया, योगा ये जरूरी है, बेशक लोगों को एक्सरसाइज और योगा तो करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उन्हें हर समय एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो बच्चे बीमार होते हैं, ज़्यादा अगर सर्दी पड़ रही है तो बच्चे बीमार होते हैं। इस शर्त में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो किस तरह से बच्चे को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले बच्चों की जहाँ तक बात आती है, उन्हें तो हमेशा गर्म कपड़ों में ही लिपटा के रखें, और जैसे रात में हम लोग सोते हैं उन पर कपड़ा है, रजाई है, कंबल है कि नहीं, इस पर ध्यान रखें। और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं रात में अक्सर वो पेशाब वगैरह करते रहते हैं, और हर व्यक्ति इतना अमीर नहीं होता कि वो हगीज़ वगैरह अफोर्ड कर सके, डायपर पहनाए, और जो गरीब बेचारे होते हैं वो नीचे कपड़ा बिछा के ही गुजारा करते हैं, और रात में उससे जो गीलापन होता है उससे बचें। रात में अगर बच्चा पेशाब करता है, डायपर से क्या होता है कि थोड़ा सा गीलापन वो अंदर में सूख जाता है या सोख लेता है, तो बच्चे की तरफ गीलापन नहीं आ पाता है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन गरीबों के लिए मैं यही कहूँगा, उन्हें बच्चों को अच्छी तरह गर्म कपड़े में लपेट के रखें, और दिन में उनको सूरज अगर निकलता है, धूप निकलती है, तो धूप अवश्य दिखाएं। धूप से क्या होता है कि हमारे बॉडी को विटामिन डी बहुत अच्छी प्राप्त होती है, और बच्चों के लिए खास करके बच्चों को धूप में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और उनका उस समय ग्रोथ पीरियड होता है बच्चों का, इसलिए उन्हें विटामिन डी की और कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। इस पर वो ध्यान दें, विटामिन डी के लिए धूप में रखें, और उनकी मालिश जो है बच्चों की प्रॉपर करें, दो टाइम कम से कम। खान पान की सर हम बात कर लें, क्योंकि बड़ों की खान पान की हमने बात कर ली, लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि आखिर उन लोगों को खिलाएं कैसे, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उन्हें बादाम खिलाना चाहते हैं, काजू किशमिश, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं। तो इस सर्दी के मौसम में क्या चीज़ बच्चों को दे जो उन्हें उनके लिए फ़ायदेमंद रहे? बच्चों के लिए जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, इस तरह के जो बच्चे हैं उनको हनी जो होता है, मधु शहद जो होता है, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वो बीच बीच में उनको वो चटाएं, अजवाइन का पानी बॉईल करके उसके छान के अच्छी तरह ठंडा करके किसी शीशी में डाल के या किसी पॉट में डाल के कंटेनर में डाल के रखें, वो समय समय पर 1 चम्मच 2 चम्मच करके देते रहें। और जो बड़े बच्चे हैं जो इस तरह काजू बादाम नहीं खाते हैं, तो उनको क्या करें, वो काजू बादाम वगैरह जो अखरोट वगैरह है उनको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना लें और दूध में डाल के उसे पिलाएं। और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, दलिया में भी थोड़ा आप ये नट्स के जो पाउडर है वो डाल सकते हैं, और भी जो बच्चों के जो जो जिसको पसंद है उसमें कोशिश किया जाए
कि बच्चे को उसमें थोड़े से नट्स वगैरह डाल के दिए जाएँ, उससे उनसे उनकी बॉडी जो है गर्म रहेगी। और ख़ास कर उनके पहरावे पर बहुत ध्यान दें, टोपी वगैरह हमेशा पहना के रखें। ये ना सोचें कि दिन में आज धूप निकल गई है तो टोपी हटा दें, ठीक है धूप में बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं, लेकिन कमरे के अंदर में कपड़ों में ही अच्छी तरह ढक के रखें, टोपी वगैरह मोजे वगैरह पहना के। बिल्कुल। तो हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र सिंह बगनाल जी यहाँ पर थे और उन्होंने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं सर्दी के मौसम में, खासकर जो लोगों की समस्याएं होती है कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, खान पान पर किस तरह ध्यान दें, खासकर एक्सरसाइज और योगा इसका उपयोग अपने लाइफ में करें या ना करें, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं लोगों की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जोड़ों में दर्द होते हैं, हाथ पैर में दर्द होते हैं, तो इस समय कई सारी समस्याएं होती है, उसका किस तरह से निवारण किया जाए, इसी की जानकारी हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र सिंह बगनाल बैठे थे और उन्होंने आप लोगों को दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके जो बताए हुए नुस्खे हैं, जो बीमारियों से किस तरह से उपाय किए जाए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। तो फिलहाल हेलो डॉक्टर में बस इतना ही, आप देखते रहिए TV 45। नमस्कार।